जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 5 विषय हिंदी। तो बच्चों, यह आपकी व्याकरण हिंदी व्याकरण की किताब है और आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो व्याकरण में हम आज पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। तो बच्चों, यह आज है संज्ञा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चित्र दिए गए हैं, तो देखो ऊपर दिए हुए चित्र देखिए। तो यह गाय का चित्र है, यह तोते का चित्र है, यह लड़के का चित्र है, यह गांधी जी का चित्र है, ये क्या है, पेंसिल है, ये दूध की बोतल है और यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, यानी एक सभा का चित्र है और ये पाठशाला का चित्र है। तो पहला चित्र गाय का है, तो गाय क्या है, एक पशु का नाम है। दूसरा चित्र तोते का है, तो तोता एक पक्षी है, तोता यानी पोपट। तीसरा चित्र लड़की का है, लड़का यानी ये व्यक्ति का एक प्रकार है। चौथा चित्र गांधी जी का है, तो गांधी जी एक व्यक्ति का नाम है। पांचवा चित्र पेंसिल का है, पेंसिल एक वस्तु का नाम है। छठा चित्र दूध की बोतल का है, तो दूध एक द्रव्य प्रवाही का नाम है। सातवां चित्र एक सभा का है, तो सभा यानी व्यक्तियों के समूह का नाम है। आठवां चित्र पाठशाला का है, और पाठशाला एक स्थान का नाम है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, पशु, पक्षी, व्यक्ति, व्यक्ति का नाम दिया है, यह वस्तु है, यह द्रव्य प्रवाही है, और यहाँ जैसे कि सभा, सम्मेलन, और यहाँ स्थान का नाम दिया है, यानी यहाँ पे समूह का नाम है और यहाँ की यहाँ पे स्थान का नाम दिया है। तो हमें समझाया गया है इस तरह, गाय, तोता, लड़का, गांधी जी, पेंसिल, दूध, सभा, पाठशाला, ये किसी जानवर, पक्षी, व्यक्ति, वस्तु, द्रव पदार्थ, समूह और स्थान के नाम है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये नाम ही है, गाय है, तोता, लड़का, ये क्या है, सब नाम दिए हैं। तो ऐसे नामों को संज्ञा कहते हैं, इसीलिए ये सभी शब्द संज्ञाएं हैं। ऐसे नामों को क्या बोलते हैं बच्चों, संज्ञा बोलते हैं, और इसे इसीलिए ये सभी शब्द संज्ञाएं हैं। क्या है, शब्द संज्ञाएं हैं। मन के भावों के नामों को भी संज्ञा कहते हैं, मन के जो भाव होते हैं उसके नाम को भी क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि खुशी, दुख, उत्साह, उदासी आदि। अभी हमें पढ़ना है संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार, तो बच्चों संज्ञा के 5 प्रकार हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसे बोलते हैं, तो जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी विशेष व्यक्ति, प्राणी और स्थान को सूचित करती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अहमदाबाद, गुजरात, नर्मदा, गांधी जी आदि। अभी जातिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, तो जो संज्ञा किसी पूरी जाति का बोध कराती हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, लड़का, गाय, कौवा, मकान, नदी, पर्वत आदि। समूहवाचक संज्ञा, तो जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं का, वस्तुओं के समूह का बोध कराती है, यानी कि एक प्रकार के प्राणी हो या वस्तु हो उस वो समूह का बोध कराती है,
उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सभा, सम्मेलन, मेला, दल, झुंड, राशि, मंडल आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो जो संज्ञा खाने पीने के पदार्थों, अनाज, विभिन्न द्रव्यों और धातुओं का बोध कराती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी उसमें कोई भी चीज़ आ सकती है, जैसे कि कोई खाने पीने की चीज़ हो, अनाज, विभिन्न द्रव्य, कोई धातु की बात की है, उसका बोध कराती, उसकी जानकारी देती है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पानी, दूध, दही, घी, मक्खन, गेहूँ, चावल, तेल, सोना, चांदी, लोहा आदि। अभी भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? तो जो संज्ञा गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध कराती हो उसे भाववाचक संज्ञा करती कहते हैं। जैसे कि चतुराई, बीमारी, हर्ष, आनंद, सुख, दुख, बचपन, बुढ़ापा आदि। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा की प्रकार के बारे में पढ़ा। आगे आपको स्वाध्याय दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया है? निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञाएं छांटिए। पहला है, भारत हमारा देश है, तो इसमें से संज्ञा कौन सी होगी? तो भारत और देश। इस तरह से आपको संज्ञा ढूंढकर लिखना है। हमारे राज्य का नाम गुजरात है, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे गुजरात, गुजरात है वो नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और राज्य, तो वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा है। गिरनार गुजरात का बड़ा पर्वत है, तो गिरनार और गुजरात और पर्वत, तो जो पर्वत है वो क्या है? जाति का बोध कराती, इसलिए ये जातिवाचक है। और गिरनार और गुजरात ये भी संज्ञा शब्द है, तो ये व्यक्तिवाचक है। गीता एक महान ग्रंथ है, तो गीता वो शब्द है, तो इसलिए ये गीता और ये ग्रंथ वो दोनों क्या है? संज्ञाएं हैं। सतीश होनहार लड़का है, तो सतीश, देखो नाम आया, तो सतीश ये हमारे संज्ञा है। और लड़का, जो लड़का है वो जातिवाचक है, सतीश व्यक्तिवाचक। गंगा हमारी पवित्र नदी है, तो गंगा और नदी, तो गंगा जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक, और नदी है वो जातिवाचक। महेश अहमदाबाद में रहता है, तो महेश और अहमदाबाद दोनों नाम ही है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुनीता पावागढ़ गई है, तो सुनीता और पावागढ़ दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आपको क्या करना है? तो उसके जो उत्तर है वो नीचे ढूंढकर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया है, कोष्टक से उचित संज्ञा शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में लिखे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे है, मैं लड़की हूँ, मेरा नाम, खाली जगह है, तो यहाँ पे आपको उत्तर दिए हैं, तो अमीषा या गौरव, तो लड़की है, तो लड़की का नाम क्या आएगा? अमीषा। मेरा नाम अनिल है, मैं खाली जगह हूँ, तो अनिल क्या हो सकता है? लड़का। तो हमारा जवाब क्या आएगा बच्चों? लड़का। राकेश भाई हमें पढ़ाते हैं, वे हमारे शिक्षक या शिक्षिका है, तो वे हमारे शिक्षक है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ हमारी गाय है, उसका नाम, तो गाय है, तो गाय का नाम क्या होगा? तो गौरी है। इस तरह से बच्चों आपको स्वाध्याय में उत्तर लिखने हैं। कोष्टक से उचित संज्ञा शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। पिंजरे के सामने बड़ी सभा, भीड़ या सेना थी, तो पिंजरे के सामने बड़ी भीड़ थी। मोहन खाली जगह देखने गया, क्या देखने गया? तो मेला देखने गया। बच्चों की खाली जगह करने निकली, तो बच्चों की टोली सफाई करने निकली। खेत में सब्जियों की खाली जगह हुई, कथा सभा या टोली, तो सभा हुई। वन में हाथियों
हाथियों का झुंड रहता है। क्या रहता है? झुंड रहता है। प्रतियोगिता में हमारा दल जीत गया। तो बच्चों इस तरह से आपको उत्तर चुनकर लिखने हैं। कोष्टक से उचित संज्ञा शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। तो यहाँ पे आपको उत्तर दिए हैं, तो ग्वाला चांदी शक्कर गेहूँ पानी या सब्जियाँ के दूध लाया, तो ग्वाला दूध लाया। सब्जियाँ ताजी है, यहाँ चांदी की अंगूठी है। चाय में शक्कर कम है, पानी बहुत ठंडा है, यहाँ गेहूँ का आटा है। तो इस तरह से आपको उचित उत्तर चुनकर जवाब लिखने हैं। कोष्टक से उचित संज्ञा शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। सैनिक देश की क्या करता है? तो रक्षा करता है। बिरजू चाचा को क्या आ गई? नींद आ गई। भरत ने राम से क्या की? तो भरत ने राम से प्रार्थना की। हमने कोयल की आवाज़ सुनी। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। बच्चे चटपटा स्वाद पसंद करते हैं। अभी यहाँ पे हमें दिया है निम्नलिखित संज्ञाओं को उनके प्रकार के अनुसार उचित खानों में लिखिए। तो यहाँ पे ये जो दिया है मैंने आपको समझाया, उसी तरह से आपको संज्ञाएँ छाँट कर लिखनी है। तो देखो बच्चे, जैसे कि सोना है तो सोना द्रव्यवाचक, दूध है द्रव्यवाचक, बचपन भाववाचक संज्ञा है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदी तो नदी क्या है जातिवाचक संज्ञा है, दल समूहवाचक संज्ञा है, भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा है, अहमदाबाद तो अहमदाबाद क्या है व्यक्तिवाचक नाम दिया है, खुशी तो खुशी क्या आएगी तो मन का भाव है यानी भाववाचक संज्ञा है, पेड़ है तो जातिवाचक संज्ञा है, मिठाई खाने की चीज़ है यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, खुशबू तो वो क्या हो गया भाववाचक संज्ञा, गांधी जी तो व्यक्ति का नाम दिया है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेना तो वो समूहवाचक संज्ञा है। तो बच्चों आपको आज मैंने पढ़ाया संज्ञा के बारे में। आपके पास ऐसी किताब होगी तो आपको स्वाध्याय नोटबुक में और यह जो आपकी बुक है उसमें लिखना है। ये आपका आज का होमवर्क है।